बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू द क्लास प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेकंड चैप्टर, कंपनी वाइड स्ट्रेटजिक प्लानिंग। सो व्हाट इज स्ट्रेटजिक प्लानिंग? स्ट्रेटजिक प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग अ स्ट्रेटजिक फिट बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशंस गोल्स एंड कैपेबिलिटीज एंड इट्स चेंजिंग मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज। सो we have to focus on development and maintaining the strategic fit. Strategic fit kin cheezon ke darmiyan, between the organization goals and capabilities, ke organization ke goals kya hain, wo karna kya chahti hai, capabilities kya hain ke wo apne resources ke basis pe kya kuch kar sakti hai, and its changing marketing opportunities ke market mein jo bhi changes aa rahi hain unse jo bhi opportunities develop ho rahi hain unko kaise avail kar sakti hai. So for the sake of this, the company has to gone through for these four step process for the strategic planning: defining the company mission, setting company objectives and goals, designing the business portfolio, and planning marketing and other functional strategies. So start with the defining the company mission. Three things we will discuss over there. The first thing is the defining the company mission. The company mission is a statement of the organization's purpose, what it want to accomplish in the larger environment. So overall organization has to develop their mission statement. Mission statement is a statement of purpose, what an organization want to be in future, what is the purpose of that organization, why the company has established. So ye different definitions hain mission statement ki. To companies ko specifically मार्केट ओरिएंटेड मिशन जो है वो डेवलप करना चाहिए. मीन्स दे हैव टू फोकस ऑन देयर टारगेट ऑडियंस, दे हैव टू फोकस ऑन टू हुम दे हैव टू सर्व एंड व्हाट आर देयर प्रोडक्ट्स, किन एरियाज में वर्कआउट करेगी. तो मोर स्पेसिफिक मिशन स्टेटमेंट होना जरूरी है. मिशन स्टेटमेंट से रेलिवेंट एक और वीडियो मार्केटिंग मैनेजमेंट में अवेलेबल है, जिसमें करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिशन स्टेटमेंट्स अवेलेबल है, वहाँ से आप डिटेल जो है मिशन स्टेटमेंट की देख सकते हैं. देन वी हैव सेटिंग कंपनी ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स. आफ्टर डिफाइनिंग द ओवरऑल लॉन्ग टर्म मिशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, द कंपनी हैव टू सेट देयर ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स. सो वेंस एवर द कंपनीज आर सब डिवाइडिंग देयर मिशन इंटू एनुअल, सेमी एनुअल और क्वार्टर गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स, दे आर इन डायरेक्शन ऑफ मिशन स्टेटमेंट. तो कंपनीज अपने ओवरऑल मिशन को अचीव करने के लिए एनुअल या सेमी एनुअल या साल बाद, छः महीने बाद या चार महीने बाद, इवन मंथली बेसिस पे अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव सेट करती हैं, ताकि उनको माइंड में रखते हुए ओवरऑल मिशन की तरफ मूव किया जा सके. ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स मिशन से कंट्राडिक्टी नहीं हो सकते, ठीक है. तो आपके ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स जो है वो मिशन स्टेटमेंट के डायरेक्शन में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो कंपनीज जो है वो कॉरपोरेट लेवल पर भी ऑब्जेक्टिव्स बनाती हैं, देन बिजनेस लेवल पर, देन ऑपरेशनल लेवल पर. ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स के तीन डिफरेंट लेवल्स होते हैं, वो मार्केटिंग मैनेजमेंट में डिटेल में डिस्कशन की गई है, वहाँ से आप इसकी डिटेल डिस्कशन जो है वो चेक कर सकते हैं. एंड डिजाइनिंग द बिजनेस पोर्टफोलियो, द कंपनीज हैव टू डिफाइन देयर बिजनेस पोर्टफोलियो. बिजनेस पोर्टफोलियो होता क्या है? बिजनेस पोर्टफोलियो का मतलब है कि कलेक्शन ऑफ ऑल द बिजनेसेस द कंपनी इज रनिंग. एक कंपनी जितने भी बिजनेस में काम कर रही होती है, कलेक्टिवली इसको पोर्टफोलियो कहा जाता है. तो यहाँ पर दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं बिजनेस पोर्टफोलियो में: एनालाइजिंग द करंट बिजनेस पोर्टफोलियो एंड डेवलपिंग द स्ट्रेटजीज फॉर ग्रोथ एंड डाउनसाइजिंग. शुक्रिया, धन्यवाद एंड थैंक यू. इससे रेलेवेंट कोई भी इशू, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, आपको टाइमली रिस्पॉन्ड किया जाएगा. थैंक यू अगेन.